Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. The question is, list items which can be easily recycled but we generally throw them in dustbins. हालांकि ये बहुत बुरी बात है but ऐसी चीजों के बारे में हमें बताना है जो कि easily recycle हो सकती है but because of lack of knowledge या फिर lack of concentration या lack of ईगरनेस टू रिसाइकल थिंग्स एंड ऑल हम लोग उसे डायरेक्टली डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं जो कि इन फ्यूचर हो सकता है रिसाइकल हो बट मोस्ट ऑफ द चांसेस होती है कि नहीं वो भी हो पाए. ठीक है, अगर आप इधर उधर लिटर कर देते हो, कुछ चीजें ऐसे वैसे फेंक देते हो तो उनका रिसाइकल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप डायरेक्टली उन्हें रिसाइकल बिन में डालोगे तो इट्स अ गुड साइन. सो द आंसर इज देर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी इजिली रिसाइकल्ड बट वी फाइंड एक्सक्यूजेस टू थ्रो देम इन द डस्टबिन. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, इजिली रिसाइकल कर सकते हैं, बट वी फाइंड एक्सक्यूजेस. लेकिन हम लोग एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं, आसपास डस्टबिन नहीं है इसलिए नहीं डाल रहे हैं, यहाँ वहां फेंक दे रहे हैं एंड ऑल, एंड थ्रो देम इन द डस्टबिन. या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग रिसाइकल करके अपने घर में भी यूज में ले सकते हैं. राइट, इसके बारे में हमने जिस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाई की है आर एनवायरमेंट, उस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आप नॉर्मल छोटी छोटी चीजों को ऐसे रिसाइकल करके बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. सो द रिसाइकल थिंग्स आर पेपर. पेपर में भी बहुत सारी पेपर्स हैं, ऑफिस पेपर, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जंक मेल. ठीक है, ये सारी चीजें रिसाइकल इजीली हो सकती हैं. द नेक्स्ट इज कार्डबोर्ड, ऑफकोर्स द वुडन कार्डबोर्ड और द पेपर कार्डबोर्ड बोथ. ग्रीन क्लियर एंड ब्राउन ग्लास बॉटल्स एंड जार्स, ऐसे बॉटल्स एंड जार्स. नॉर्मली केचअप के बॉटल्स जो है वो ग्लास जार्स में आते हैं एंड ऑल, तो जितने भी ग्रीन और क्लियर ग्लास होते हैं उन सारी चीजों को आप यूज में ले सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो. जूस एंड मिल्क कार्टन्स, अभी जितने भी जूस एंड मिल्क कार्टन्स आते हैं वो टेट्रा पैक्स में आते हैं, 6 लेयर ऑफ पैकेजिंग में आते हैं, जिनको रिसाइकिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बार बार यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं. 7 लेयर्स को डिकम्पोज होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है. ऑल हार्ड प्लास्टिक बॉटल्स, जितने भी ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं जो कि बहुत हार्ड हैं, नॉर्मली हमारे जो बड़े बड़े गैलन्स एंड ऑल आते हैं ऑयल एंड ऑल में, वो बॉटल्स एंड गैलन्स वी कैन रिसाइकल. एंड कंटेनर्स मार्क्ड बट नो लिड्स प्लीज, कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स जैसे कि फेविकॉल एंड ऑल के बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं विच वी कैन रिसाइकल बट नो लिड्स, जिस बट उनके ढक्कन नहीं. स्टील एंड स्टील एंड एल्यूमिनियम कैंस एंड एम्प्टी एरोसोल्स, ऐसे बॉटल्स जो कि टिन के बने हुए होते हैं, एल्यूमिनियम कैंस, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंड ऑल पीते हो तो उनके जो बॉटल्स होते हैं वो टिन के होते हैं या स्टील के होते हैं या एल्यूमिनियम के कैंस होते हैं, उनको आप क्रश कर देते हो. उसको क्रश नहीं करके आप उसे और भी बहुत सारी चीजों में यूज में ले सकते हो. इसके लिए अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी ऐसी यूजेस है जिसमें ये चीजें आ सकती हैं, जिसमें आप उनको यूज कर सकते हो, तो उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको यूट्यूब में वीडियोज ऑलरेडी हो जाएंगी. थैंक यू.